वेलकम बैक. मेरे साथ मौजूद हैं कौसर आमिर, एजुकेशनिस्ट हैं और लीडर पीपीपी हैं. आपने कहा पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी परेशानियां हो रही हैं, लोगों की, आवाम की प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन कौसर, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, हल नहीं आ रहा, क्यों? देखिए, मैं कहती हूँ कि हर इंसान को अपना रोल प्ले करना होगा. अब जैसे देखें, अच्छे लोग अगर पॉलिटिक्स में आते हुए क्यों डरते हैं, मैं तो ये समझ नहीं पाती. क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे लोग आएंगे और आगे आके लोगों के प्रॉब्लम सेटल करेंगे, तभी तो प्रॉब्लम सेटल होंगे. मैंने ये देखा है कि जब पढ़े लिखे लोग होंगे और आप एक सब्जेक्ट में, समझती हूँ एज अ पॉलिटिक्स, बच्चों को भी बताएं कि देर आर सर्टन गुड थिंग्स इन दैट. अब आप देखें, कोई भी स्कूल में अगर आप देखें तो बच्चों को बिल्कुल पॉलिटिक्स का पता नहीं होता. मैं नहीं कहती पॉलिटिशियन बना दो, नो नॉट दैट, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए कि दिस इज अगेन सब्जेक्ट, दिस इज अगेन. एंड देन यू नो दैट, हम सबको पता है, वी नो दिस, कि हमारे यूथ ही है जो अब कुछ आगे करेगी. यंग जनरेशन हमारी अगर आगे आएगी और यंग जनरेशन अगर इन्वॉल्व होगी हमारे पॉलिटिक्स में, तभी हम एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं. अब आप देखें, जब मैं पॉलिटिक्स में आया तो लास्ट ईयर ओनली आई हैव डन माय मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस. मैंने पहले, मैंने कहा इसमें मुझे पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस है क्या. अगर ये नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में, आई शुड नॉट हैव पॉलिटिकल साइंस. खैर, मुझे शुरू से ये सब्जेक्ट बहुत पसंद था. पहले सिविक्स होता है, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस बन जाता है. तो मुझे बताएं कि अब जो आप पीपीपी से आपका ताल्लुक है, जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, छोटी छोटी हर चीज में प्रॉब्लम्स हैं. देखिए, अभी हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे हम बात कर रहे थे. इस तरह के कितने इश्यूज हैं यार, महंगाई है, ये है. तो कब चेंजेस आना शुरू होंगे? देखिए, मैं समझ रही हूँ मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, आप लोग जिस तरह से टीवी पर इस तरह की अवेयरनेस दे रहे हैं, तो पहले तो ये वक्त नहीं था कि इस तरह की चीजें डिस्कस भी की जाए. बिल्कुल. लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, देयर इज अ बिग चेंज. लोगों के माइंड जो है, जो बहुत नैरो थे, अब वो वाइडेंड होना शुरू हो गए. वो उन्होंने, उनको देखना शुरू कर दिया. माइंड सेट बदलने के लिए मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल. प्लस गवर्नमेंट भी, नो डाउट, वो ऐसे ही नहीं बैठ रही. अगर आप देखें तो औरतों की पीपल्स पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी है. हर जगह आप देखें, स्पीकर, असेंबली, डिप्टी स्पीकर. अगर आप मुझे देख लें, मैं डिवीजन में, मदर विंग के अंदर, कराची डिवीजन का जो मेन विंग है, आई एम द ओनली लेडी इन दैट कम्प्लीट विंग. रियली, तो मुझे लाया गया है कायम अली शाह साहब से. मैं इस बारे में बड़ा, मतलब, शुक्रगुजार हूँ मेरी पार्टी के मुझे लाया गया है. जस्ट बिकॉज के औरतों को एक सीट दी गई है, औरतों को एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस पार्टी के अंदर. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी. थैंक गॉड, थैंक गॉड कि औरतों को तो आगे आने दें. बिल्कुल. और औरतों को आप यकीन, और आप देख लीजिएगा, ये औरतें ही बदलेंगी मुल्क को या यूथ बदलेगी. बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं. कि देखिए, मैं कहती हूँ आदमी भी अपना रोल प्ले करे, लेकिन आजकल वक्त ऐसा आ गया कि शाना बशाना औरतों को भी निकलना पड़ेगा. आप इंडिया देख लें, क्यों इतना एडवांस है, क्यों इतना आगे बढ़ गया हमसे. बिल्कुल. क्योंकि वहाँ पर तो बांग्लादेश भी आगे जा रहा है. बांग्लादेश आप आगे चला गया. आप बाकी दूसरी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो आप छोड़ ही दें, अमेरिका, लंदन वगैरह तो आप छोड़ ही दें. लेकिन आजकल वो जमाना नहीं रहा है कि लेडीज शुड सिट एट होम और पढ़ी लिखी खातिन है. आजकल बहुत महंगाई का जमाना आ गया, बहुत एक वक्त चेंज हो गया है. दुनिया चांद पे पहुंच गई है और लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि लेडीज भी अपना एक इंपॉर्टेंस है. एंड दे शुड ऑल बी अ पॉलिटिशियन. बीइंग अ पॉलिटिशियन, आप क्या समझती हैं, आपको कहां कहां एजुकेशन को सही करना है? देखिए, रिसेंटली मुझे बुलाकर मेरे कायद आसिफ इज़दाई साहब ने एक ड्यूटी भी दी है कि ब्रिंग स्कूल्स, मॉडर्नाइज लॉट ऑफ स्कूल्स. ठीक है, जो मुझे एक टास्क दिया गया है और उसमें आई एम वर्किंग. और कुछ स्कूल्स भी मैं अडॉप्ट कर रही हूँ इस हवाले से. 20 स्कूल्स मैंने लिस्टिंग कर लिए हैं, जॉट डाउन किए हैं. अच्छा. और उस 20 स्कूलों के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ स्कूल्स मैंने देखा ऐसा है कि गोस्ट स्कूल्स हैं. ठीक है, आफ्टरनून शिफ्ट चल रही है लेकिन टीचर्स भी आ रही है, बट देर आर नॉट किड्स. और दिखाया गया कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो दिस इज टोटली रॉन्ग. उसको मैंने पॉइंट आउट किया और आगे भी बताया उसकी पूरी मैंने, क्योंकि चेक एंड बैलेंस, मैंने कहा गवर्नमेंट एक एक इदारे में लोग बिठा के नहीं चेक एंड बैलेंस कर सकती. बिल्कुल. तो उसके लिए करके कुछ हम पॉलिटिकल लोग जो अपने ही पार्टी के हैं, उनको अगर इस तरह से एक जिम्मेदारियां दी गई हैं. और क्योंकि मैं एक एजुकेशन का इदारा रन कर रही हूँ, दैट्स वेरी इजी फॉर मी. क्योंकि मेरी आपकी फील्ड है, तो नहीं है पॉलिटिक्स में, तो आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ. ये तो नहीं मिनिस्टर बन गए तो बस बैठ गए. मुल्क की खिदमत करना है मेरे साथ ये कि आई हैव टू सर्व माय कंट्री. आइदर मैं डॉक्टर बनती. सबसे बड़ी बात तो हमारे बच्चों को एजुकेट करना, हमारे बच्चों को. और हमारे, देखिए, जो हमारे यहाँ इस वक्त जो खराबी है, मैं कहती हूँ सब चीज की जो है, लोगों को हथियार हटाकर किताबें दे दे. कोई छोटा सा मैसेज कलम पकड़ा. प्लीज, मैं कहूंगी बी यूनाइटेड.
ठीक है, टुगेदर वी कैन एंड वी विल ब्रिंग द डिफरेंस इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच कौसर, इट वाज लवली टू हैव यू ऑन माय शो. थैंक यू सो मच. ना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा दिन गुजारें. आप हमें ईमेल कर सकते हैं chuloasman@news1tv.tv पे और मैसेज अस ऑन www.facebook.com/chuloasman. हैव अ लवली वीकेंड, रॉकिंग वीकेंड. इंशाल्लाह मंडे को एक नए शो के साथ मैं आऊंगी. खुदा हाफिज़.